रेसिपी बनाना हम शुरू कर रहे हैं और रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन रख लिया है, नॉनस्टिक पैन गर्म करने के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी बेसन, ये करीबन 5 टेबलस्पून बेसन है। हमें इसे स्लो फ्लेम पे भूनना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसमें जब तक अच्छी से खुशबू ना आना शुरू हो जाए तब तक इसे हम भून लेंगे। बेसन हमारा भूनकर रेडी हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। बेसन हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़े से पाउडर मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले मिला रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने लिया है हल्दी पाउडर। अब डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक। अब मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब पहले इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, टेस्ट करके देख लेंगे कि ये इसमें जो हमने मसाले डाले हैं वो बराबर है या नहीं। इसमें और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, करीब 1/4 टीस्पून मैं इसमें मिर्ची पाउडर में मिला रही हूँ। आपके पास जो मिर्ची है अगर वो तीखी है तो उसमें आप मिर्ची पाउडर मत मिलाइए, और अगर वो ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप इसमें मिर्ची पाउडर मिला सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें नींबू का रस मिला रहे हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून नींबू का रस। आपके पास अगर आमचूर पाउडर है और नींबू का रस नहीं है या नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ये थोड़ा खट्टा होना चाहिए, तो आप जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं बेसन की तो उसमें उसी हिसाब से ही आप इसमें नींबू का रस मिला लीजिएगा। अब ये रेडी हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम आटे की तरह इसको बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। इस तरीके से ये रेडी हो गया, इसे बहुत ज्यादा नरम नहीं करना है, थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये नरम हो गया तो जब हम इसे मिर्ची में अंदर मिर्ची के अंदर इसे जब भरेंगे, जब इसको स्टफ करेंगे तो ये बाहर निकल सकता है, इसीलिए इसे ज़्यादा नरम नहीं रखना है। मैंने यहाँ पे इस तरीके की बड़ी वाली हरी मिर्च ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके की बड़ी वाली हरी मिर्ची मार्केट में मिलती है। इसको मैंने इस तरीके से बीच में से कट किया है और इसके अंदर से थोड़ा सा मिर्ची निकाल दिया है, इसके जो दाने होते हैं इसको थोड़ा सा निकाल दिया है, पूरा नहीं निकाला है, थोड़ा थोड़ा सा निकाला है। और इसी तरीके से बाकी मिर्चियों को भी मैंने कट कर लिया है, और ये मसाला हम इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। इसको अच्छी तरीके से दबाते हुए स्टफ करने हैं। देखिए ये इस तरीके से रेडी हो गया, इसी तरीके से हम बाकी की मिर्चियों को भी रेडी कर लेंगे। पैन मैंने रख दिया है गरम करने के लिए, इसमें हमने थोड़ा सा ही तेल डाला है, करीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, तो हम मिर्चियों को पैन में रख देंगे। फ्लेम को स्लो रखेंगे ताकि मिर्ची अच्छी तरीके से भून जाए, अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे या मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल्दी जल्दी ऊपर से जल जाएगी। और ये आज की स्पेशल रेसिपी स्टफ्ड मिर्ची अब बनकर तैयार है।